छत्तीसगढ़ के चुनावी रण का आज पहला दौर है। नेताओं की जोर आजमाइश खत्म हो चुकी है और अब जनता की बारी है। आज पहले चरण में 18 सीटों के लिए अब से कुछ ही देर बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग का दौर शुरू होगा और शाम होते होते तक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले दौर में मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कुल 144 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हैट्रिक बनाएंगे या फिर 10 साल बाद कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए छत्तीसगढ़ में सत्ता के सेमीफाइनल का आगाज बस्तर और राजनांदगांव के 18 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डालने से होगा। पहले दौर में बस्तर के 12 और राजनांदगांव के 6 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। बस्तर की सभी 12 और राजनांदगांव की एक सीट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बाकी की 5 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच वोटिंग होगी। पहले दौर के मतदान में कुल 29,33,200 मतदाता हैं, जो मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कुल 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है। चुनाव से पहले बस्तर में कांग्रेस के कारवां पर हमला कर नक्सलियों ने अपने खूनी इरादे भी जाहिर कर दिए हैं, लिहाजा चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तैनाती से पहले सुरक्षा बलों को नक्सल इलाकों और हमलों की पूरी जानकारी दी गई है। सुरक्षा बलों को भीड़ से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि नक्सलियों के स्मॉल एक्शन ग्रुप स्कूली छात्रों के भेष में हमला कर सकते हैं। बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है और इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले में करीब 20 किलो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया गया। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ नक्सलियों ने बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने पहले दौर की वोटिंग के लिए कुल 4142 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 1517 मतदान केंद्र संवेदनशील और 1311 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। कुल 56,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पहली बार रनर की व्यवस्था की गई है, जो 4 किलोमीटर के दायरे में पुलिस कर्मियों की मदद करेगा। मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए 2700 कैमरे भी लगाए गए हैं। मतदान दलों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम है। रायपुर में एक एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। बीजेपी के लिए बस्तर की लड़ाई सबसे अहम है। 2008 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2008 में बीजेपी ने बस्तर राजनांदगांव के 18 सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2008 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह भी राजनांदगांव से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बस्तर में पूरा जोर लगाया। सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी की सभाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस का पूरा जोर नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं की हत्या के मामले पर बीजेपी को नाकाम साबित करने पर रहा है। वहीं बीजेपी रमन सिंह के कामकाज के साथ नरेंद्र मोदी के करिश्मे के भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। छत्तीसगढ़ में आज जिन 18 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है, उनमें ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। ऐसे में किसी भी नक्सली हमले से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए करीब 600 कंपनियों की तैनाती की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के अलावा बाहर से आए हुए पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। संगीनों के साए में मतदान, चप्पे चप्पे पर तैनात जवान, परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर लाल आतंक का मंसूबा होगा नाकाम। छत्तीसगढ़ में चुनाव पर लाल आतंक की छाया से बचने के लिए सुरक्षा की ऐसी ही तैयारी है। नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षाकर्मी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। लाल आतंक की वार्निंग को देखते हुए जवान बिना पलक झपकाए निगरानी में जुटे हैं। जंगल जंगल खाक छाना जा रहा है, हर जगह पर नजर है जहां लाल आतंक मतदान में खलल डालने की हिमाकत कर सकते हैं। अनुचित प्रकार तो हम घड़ने नहीं देंगे, इसलिए पहले से हम क्या है, जो जवान हमने लगे हुए हैं और हमारी सर्चिंग जो है पहले से तैयारी है
और रात भर काफी हम आउटर कॉर्डन लगाने वाले हैं। इसीलिए अनुचित प्रकार घटने वाला नहीं आया, 100% हम इस बंदोबस्त के अंदर है, हमारा काफी तैयारी इसके अंदर। हालांकि मतदान से एक दिन पहले ही लोगों में खौफ पैदा करने के लिए नक्सलियों ने अपना टेलर दिखा दिया है। राजनंद गांव जिले में नक्सलियों ने रविवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर मतदान में खलल डालने की कोशिश की है, लेकिन लाल आतंक के हर कहर का जवाब देने के लिए सुरक्षाकर्मी मोर्चे पर डटे हैं। वहां पर करीब 35 केजी का एक आईडी जो है, पाइप बम जो है, वो बरामद हुआ है। नक्सलियों ने कोशिश की राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में ओंदी पुलिस स्टेशन एरिया में, जहां पुलिस पार्टी जा रही थी, ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी हमारी दूसरे रास्ते पे थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और पुलिस पार्टी से आगे रवाना हो गई है। सूबे में आज से पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 144 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। नक्सल प्रभावित 18 विधानसभा क्षेत्रों में 12 सीट बस्तर संभाग से आते हैं, जिसे लाल आतंक के लिहाज से रेड अलर्ट पर रखा जाता है, जिसमें कोंटा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, केशकाल, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और चित्रकूट है। इसके अलावा राजनंदगांव की 6 विधानसभा सीटें भी नक्सलियों के निशाने पर होगी, जहां लाल आतंक का खौफ पैदा करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यहीं से सूबे के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनंदगांव की 6 विधानसभा सीटों में राजनंदगांव, खुज्जी, डोगरगढ़, डोगरगांव, मोहल्ला मानपुर और खैरागढ़ आते हैं, जहां लाल आतंक मतदान में खलल डालने की हिमाकत कर सकते हैं। लिहाजा नक्सल इलाकों में हो रहे मतदान की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि लाल आतंक के हर मंसूबे को नाकाम किया जा सके। पहले चरण में आज हो रहे मतदान के लिए कुल मतदान केंद्र 4,142 है, जिसमें से 1,517 मतदान केंद्र संवेदनशील और 1,311 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए करीब 600 कंपनियों की तैनाती की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के अलावा बाहर से आए हुए पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं, और संगीनों के साए में मतदान हो रहा है, तो आप भी अपने घरों से निकलिए और निडर होकर मतदान कीजिए।